स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है. डीएफए टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज एंडिंग विद एबी और बीए. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है. तो डीएफए कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग को चाहिए यहाँ पे क्या, दैट स्ट्रिंग शुड बी एंडिंग विद एबी और बीए, तभी जाके वो एक्सेप्टेड होगा फाइनल स्टेट के द्वारा. तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, तो मिनिमम स्ट्रिंग तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को आप और एक फॉर्म में भी पा सकते हैं एग्जाम में. L इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए बी प्लस बी ए सच दैट W बिलोंग्स टू ए कॉमा बी होल स्टार. अगेन ए कॉमा बी होल स्टार का मतलब वही होता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी. ये ए प्लस बी होल स्टार हो चाहे ए कॉमा बी होल स्टार हो, उसका मीनिंग होता है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग होगा वो एंड हो रहा है या तो ए बी से या तो बी ए से. तो इस टाइप के क्वेश्चन में और एक ट्रिक है, अगर और में दो कंडीशन दिए गए हैं या फिर तीन, जितने भी कंडीशन दिए गए हैं अगर उसके बीच में और है, उसका मतलब उतने फाइनल स्टेट आपके डीएफए में होंगे. यहाँ पे कितना कंडीशन है, दो कंडीशन है एंडिंग विथ ए बी और बी ए. तो दो कंडीशन है, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे दो फाइनल स्टेट आपको मिलेंगे. वो होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक. तो हम लोग देखेंगे पहले उसका क्या होगा. मिनिमम स्ट्रिंग तो ए बी और बी ए है, राइट? तो मिनिमम स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए बी और बी ए. ठीक है, फिर सिग्मा तो आपको पता है ए कोमा बी है, राइट? तो स्केलेटन जो आता है मेन चीज, हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट से स्टार्ट करेंगे क्यू नॉट और एक तरफ हम लोग लेके जाएंगे फॉर ए बी. मैंने बोला था आपको यहाँ पे फाइनल स्टेट दो होंगे, ठीक है, और दूसरे तरफ हम लोग उसको लेके जाएंगे फॉर बी ए. तो यहाँ पे इसको मान लीजिए ए बी है और ये मान लीजिए बी ए है. अगर दो कंडीशन है तो दोनों कंडीशन के लिए फाइनल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वो ए बी हो गया और ये बी ए हो गया. अभी हम लोग को डिटरमाइन करना है बाकी सारे ट्रांजिशन फंक्शन. तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्यू नॉट के लिए ए बी तो ऑलरेडी डिफाइन है, क्यू वन के लिए बी है ए नहीं है, क्यू थ्री के लिए ए है बी नहीं है, और क्यू टू क्यू फोर के लिए बोथ ए बी है. अभी हम लोग देखते हैं कैसे होगा. क्यू नॉट विथ ए, क्यू नॉट विथ ए क्या होगा, यहाँ पे बोला गया है एंडिंग विथ ए बी. तो सॉरी, क्यू वन विथ ए का एंडिंग विथ ए बी है. तो क्यू वन विथ ए का ऑप्शन कितने सारे हैं, या तो क्यू नॉट या फिर क्यू थ्री या फिर क्यू टू या फिर क्यू फोर. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा क्या, रिजेक्ट करने के लिए अगर आप क्यू नॉट क्यू वन विथ ए क्यू टू में लाते हैं, यहाँ पे ए लेके आते हैं, तो ये एंडिंग विथ ए ए हो रहा है ना. लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एंडिंग विथ ए बी शुड कम टू क्यू टू, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्यू वन विथ ए क्यू टू में ही लेके जाते हैं तो ए तो रिजेक्ट हो गया, तो क्यू टू तो होगा नहीं. मान लीजिए आपने यहाँ पे लेके आया है क्यू वन विथ ए टू क्यू फोर, क्यू फोर लेके आए हैं ए, तो क्यू फोर जो है एंडिंग विथ बी ए है, लेकिन यहाँ पे एंडिंग विथ ए हो रहा है ना, फिर से गलत हो गया. अब क्या बचा, क्यू थ्री, क्यू थ्री विथ ए अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे फिर से अगर आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे ए ए ए, तो एंडिंग विथ ए हो रहा है ना, गलत हो जा रहा है. तो बचा कौन सा ऑप्शन, क्यू वन इटसेल्फ. तो यहाँ पे अगर आप एक सेल्फ लूप दे देते हैं ए का, तो स्टार्टिंग विथ ए देन एनी नंबर ऑफ ए, बट एट द लास्ट यहाँ पे ए हो रहा है यहाँ पे बी हो रहा है, तो ये सबसे ईजी है ना. तो इसी तरह प्रॉब्लम आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इनपुट सिंबल कहाँ पे हम लोग को डालना है. यहाँ पे एंडिंग विथ ए बी है, तो अगर आप यहाँ पे सेल्फ लूप देते हैं तभी भी ये एंडिंग विथ ए बी ही होगा. उसी तरह यहाँ पे एंडिंग विथ बी ए है, तो क्यू थ्री का सेल्फ लूप बी दे देंगे तो वो एंडिंग विथ बी ए ही होगा. तो अभी क्यू नॉट क्यू वन और क्यू थ्री का सब खत्म हो गया ट्रांजिशन फंक्शन. अभी क्यू टू का ए बी देखेंगे. क्यू टू का ए के लिए क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप रिटर्न जाते हैं तो उसमें भी एक्सेप्ट हो रहा है, बट कोई कोई स्ट्रिंग के लिए नहीं होंगे. सबसे पहले इसका इसमें एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन में इजी चीज क्या बताऊं, यहाँ पे एंडिंग विद ए बी बोला गया है ना, तो ए बी के लिए यहाँ पे एंड हो रहा है और बी ए के लिए यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसका क्या क्या बचा है, ए बी, इसका भी ए बी ही बचा है.
तो अगर इसका ए हम लोग कहाँ पे लाएंगे, कहाँ पे एंड विथ ए हो रहा है, ये जो क्यू फोर है वो एंड विथ ए हो रहा है ना, क्योंकि बी ए एंड विथ ए ही हो रहा है, तो इसका ए अगर हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पे भी एंडिंग विथ बी ए हो रहा है कि नहीं। अब इसका बी, ये जो क्यू फोर है एंडिंग विथ बी ए है, अगर आप यहाँ पे बी लेके आ रहे हैं तो ये एंड विथ ए हो रहा है, उसी तरह क्यू फोर का बी इधर जाएगा क्योंकि एंडिंग विथ ए बी, और क्यू फोर का ए जाएगा इधर क्योंकि एंडिंग विथ ए बी। ठीक है, तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है। ये एंडिंग वाला बहुत इजी होता है, जहां पे जो एंड हो रहा है उसको देख के उसका प्रीवियस वाला वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहले चार छह तो बहुत इजी है, तीन तीन बस। इसके लिए अगर क्यू टू का ए आपको डिटरमाइन करना है तो कौन सा स्टेट है जो कि ए से एंड हो रहा है, क्यू फोर, ठीक है, तो उसको वहीं पे ले आएंगे। और ये भी है क्वेश्चन के हिसाब से कि क्यू फोर इज एंडिंग विद बी ए, तो इस ए से पहले बी है ना, हो गया। अब क्यू टू का बी कहाँ पे लाएंगे, क्यू टू का बी अगर क्यू थ्री में लाते हैं तो बी ए एंडिंग विद बी ए, उसी तरह क्यू फोर में भी कर सकते हैं।